फ्रेंड्स, वेलकम टू द 12th लेक्चर ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। वी ऑलरेडी डिस्कस अ फर्स्ट लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। First point is, this law is given by French chemist. Joseph Proust in 1799. It means law of definite proposal is given by after the 10 year of law of conservation of mass. Law of conservation of mass जो था वो 1789 में हम दिया था, किसने दिया था? तो एंटोनी लोवेजियर ने दिया था। और law of definite proposal किसने दिया था? जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था 1799। ठीक है, this law is also known as definite composition. Law of definite composition. Law of definite proportions को हम law of definite composition भी कह सकते हैं। ठीक है, third point is, this law says that a given compound always contain exactly the same proportion of an element by mass. इसका मतलब कि जो हमारा कंपाउंड होता है वो कभी भी सभी सेम है। मतलब कि a given compound always contain exactly the same proportion of element by mass, मतलब कि कहीं से भी आप कंपाउंड को ले लो, इंडिया से ले लो, पाकिस्तान से ले लो, कहीं से भी ले लो, किसी भी कंट्री से ले लो, या किसी भी रिवर से, कहीं से कुछ भी ले लो, एलिमेंट का प्रपोजल उसमें सेम होने वाला है। ठीक है, देखते हैं उसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि we are going to take pure water from sea water or a rain water or a tap water. हम लेने वाले हैं प्योर वाटर, लेने वाले हैं वो हम अलग अलग जगह से लेने वाले हैं। मैंने एक सी वाटर से मैंने ले लिया, मतलब के सी से हमने थोड़ा बहुत वाटर ले लिया, बाद में रेन में जो वाटर आता है वो लिया, और जो टैप वाटर होता है क्या, तो आपके घर पे जो नल में आता है वो आपका टैप वाटर होता है, टैप वाटर होता है। इस वाटर में यहाँ पे भी H2O ले लिया, here we also take H2O and here we also take H2O. What my dear, a given compound always contain exactly the same proportion of the element by weight. Same proportion of element by weight. ठीक है ना? तो अगर ये बात सही है तो क्या होगा कि मैंने वाटर जो है सी वाटर से दिया, रेन वाटर से दिया या टैंप वाटर से दिया, वहां पे एलिमेंट H और A का जो रेशियो होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो सभी जगह पे क्या होगा, सेम होने वाला है। यहां पे दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो यहां पे दो है तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है ना, अगर मैं इसका रेशियो निकालने जाऊं तो हो जाएगा 1:8 आ जाएगा। उसी तरीके से यहां से भी मैं निकालूंगा तो यहां पे भी 1:8 आएगा, और यहां पे भी मैं निकालूंगा तो 1:8 आने वाला है। ठीक है, सो हियर व्हाट, यहां पे क्या हुआ कि सभी जगह से आपने वाटर कहीं से भी लिया, सभी जगह पे एलिमेंट का जो प्रपोजल था बाय मास, बाय वेट का
क्या था, सेम है, ठीक है ना। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये लॉ ऑफ डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल इतना ही बताता है कि आप कहीं से भी कोई भी कंपाउंड उठा लो, उसका जो प्रपोजल होगा, एलिमेंट्स का प्रपोजल होगा, वो सेम होने वाला है बाय मास बाय वेट। ठीक है, क्लियर है ये, रेशियो सेम होना चाहिए एलिमेंट का, इतना समझ लो। लॉ ऑफ डेफिनेट लॉ ऑफ डिफाइंड प्रपोजल में इतना पता होना चाहिए कि एलिमेंट का, एलिमेंट जो होते हैं उसका जो प्रपोजल जो होगा, मतलब उसका जो रेशियो होता है वो सेम होना चाहिए। बाद में एलिमेंट बाद में कंपाउंड आप कहीं से भी उठाओ, ठीक है। यहाँ से पानी हम रिवर में से उठा दे, सी में से उठा दे, टैप वाटर कोई भी पानी दे दे, उस सभी में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:80 होता है, सभी जगह पे 1:80 होता है, ठीक है। अब हम लॉ ऑफ डिफाइनमेंट प्रपोजल पे कुछ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, उसमें से एक मैं करवा रहा हूँ, बाकी का एक मैंने होमवर्क में दिया है, वो आपको करके मुझे बताना है कि आंसर क्या आया, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। सो हियर वी हैव टू एक्सपेरिमेंट्स, वी हैव टू एक्सपेरिमेंट्स, ओके। इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वी रिएक्ट 0.243 gram of magnesium with oxygen and this yields 0.403 gram of magnesium oxide, and in experiment 2 we react with magnesium 0.128 gram of magnesium with oxygen and yield 0.302 gram of magnesium oxide। यहाँ पे हमें क्या बताना है कि अगर ये दोनों एक्सपेरिमेंट, अगर आप ऐसा बताते हो कि लॉ ऑफ डिफाइनेट प्रपोजल क्या बताते हैं कि कंपोनेंट आप कंपाउंड कहां से भी ले लो, उसमें एलिमेंट का जो रेशियो होता है वो सेम होता है, ठीक है। ये मैंने आपको इसके आगे तक बताया था, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है कि इसके अंदर क्या ये डिफाइनाइट लॉ ऑफ डिफाइनेट प्रपोजल फॉलो होता है, एक्चुअली तो होना ही चाहिए, पर इसमें होता है क्या हमें वो पता लगाना है, ओके। सो हियर we have a experiment 1, experiment 2, magnesium react with oxygen and gives magnesium oxide, okay, magnesium react with oxygen and gives magnesium oxide. In experiment 1, mass of a magnesium is 0.243 and in experiment magnesium oxide is 0.4030. In experiment 2, mass of a magnesium is 0.182. In experiment 2, mass magnesium oxide mass is 0.3020. Okay. To answer this question, we are going to use law of conservation of mass. I already told you that sum of mass of reactant, sum of mass of reactant is equal to sum of mass of product. I already told you that in law of conservation of mass, what say that law of sum of the mass of the reactant is equal to sum of the mass of the product. We assume that in this reaction, law of conservation of mass is followed. Therefore, we want this mass, we want oxygen mass. हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन का मास चाहिए। हमें ये पता चल गया कि इसका मास जो होता है इन दोनों के मास के बराबर होता है, तो हम ऐसे ये ऑक्सीजन का मास हमें ढूंढना है, तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0.403 माइनस 0.240, ठीक है ना। मैग्नीशियम के मास में से, मैग्नीशियम ऑक्साइड के मास में से मैग्नीशियम का मास निकाल दिया तो मुझे ऑक्सीजन का मास मिल जाएगा। ये हमें पता चलता है किससे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, क्योंकि मैग्नीशियम का मास प्लस मैग्नीशियम का मास प्लस ऑक्सीजन का मास इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मैग्नीशियम का मास, हमें ऑक्सीजन का मास चाहिए, तो मैग्नीशियम का मास मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास माइनस मैग्नीशियम का मास, वही मैंने यहां पे लिखा होगा। सो हियर 3330 कैंसिल, 0 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 एंड 3 and 2 1, okay, after calculating this you got that mass of oxygen is in experiment 1 is 0.160, in experiment 2 mass of oxygen is 0.3
3020 माइनस 182 0 ओके 00 यह 0 22 कैंसिल आउट इज द 0 8 एंड माइनस 2 देयरफॉर 0 माइनस इट हियर 2 सो p एंड 2 ओके आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस यू गॉट द मास ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपेरिमेंट 2 इज 0.120 0.120 ओके नाउ how we find that this experiment one and two follow the law of defined proportion hame kaise pata chalega ki ye dono experiment law of defined proportion follow karta hai defined proportion hamara law jo hai wo usko follow karta hai to simple hai hame experiment one aur experiment two mein hame jo magnesium mile hai magnesium aur oxygen mila hai uska kya karna hai to रेशियो दे देना है ठीक है तो मैग्नीशियम इज 0.243 जेम 0.160 या 0.182 इज इक्वल टू 0.120 इफ यू कैलकुलेट दिस यू विल गॉट 1.51 इज इक्वल टू 1.51 सो हियर यू कैन से दैट द रेशियो इन बोथ द एक्सपेरिमेंट ratio of an element is same therefore we can say that this both the experiment follow the law of definite proportion ठीक है तो अभी कैसे ये find करना पता चल गया दोनों लोग ठीक है इसके base पे जो numerical आते हैं वो मैंने एक आपको experiment में दिया हुआ है वो आप कर लेना बहुत easy है ऐसे ही तरीके से करता है वहाँ पे तीन experiment है मैंने यहाँ पे दो दिखाया है वहां पे तीन है ठीक है ऐसे ही करना थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना सीधा आपको सीधे सीधे ये दोनों चीज दे दिया होगा सिर्फ आपको ये फाइंड करना है बाद में रेशियो दे देना ठीक है ओके टेक अ स्क्रीनशॉट थर्ड लॉ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वी ऑलरेडी कंप्लीटेड अवर टू लॉज फर्स्ट लॉ इज लॉ of conservation of mass second law is law of definite proportion now we are going to discuss law of multiple proportion it's very easy okay so first we are going to discuss that which scientist gives this law This law of multiple proportion given by Dalton's in 1803 मतलब कि law of definite proportion के चार साल बाद law of multiple proportion आया किसने दिया तो Dalton's ने दिया कब दिया तो 1803 में दिया 1803 में दिया ठीक है ये एमसीक्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ठीक है सो नाउ यू नो दैट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोजल वाज गिवन बाय डाल्टन इन 1803 ओके दिस लॉ इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू नाउ दिस लॉ सेज दैट व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड When two elements combine to form more than one compound, then the different masses of one element which combine with fixed mass of other elements bear small whole number ratio to one another. लिखने में बहुत ज्यादा लंबी है और समझ बोलने में भी ठीक है ना मैं आपको वन बाय वन लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करता जाऊंगा और आपको ये याद हो जाएगी ठीक है ना ओके दिस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सेज दैट व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन हियर वी आर गोइंग टू टेक टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन मींस हियर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन विद ईच अदर एंड टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड हाइड्रोजन
हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच इज अ हाइड्रोजन पेरोक्साइड ओके ना। तो व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट बियर द स्मॉल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर। इट मींस समथिंग रिलेशन विद मास ओके। हियर वी नो दैट एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, हियर इज आल्सो 1, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ओके। हियर हाइड्रोजन इज 2, देयरफॉर वी आर गोइंग टू पुट 2, देयरफॉर वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई हियर 2 इज इक्वल टू 2, ऑक्सीजन इज 1 देयरफॉर इनटू 1 इज इक्वल टू 16। हियर हाइड्रोजन इज 2 सो हियर 2 इज इक्वल टू 2, हियर ऑक्सीजन इज 2 तो हियर वी आर गोइंग टू पुट 2, 16 इनटू 2 इज इक्वल टू 30 ओके। नाउ अंडरस्टैंड हियर मॉलिक्यूलर मास इज 18 एंड हियर इज 34 ओके। चलो देन डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट व्हिच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट डिफरेंट मासेस ऑफ एलिमेंट हियर इन दिस एग्जांपल डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट मींस डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड डिफरेंट मासेस आर 32 and 16 डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट ये हाइड्रोजन इज 2 एंड इन बोथ द केस मास इज 2 देयरफॉर यू कैन से द डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विथ फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन विच इज टू बियर्स स्मॉल होल नंबर रेशियो means when two elements combine to form more than one compound different masses of one element in this case different masses of oxygen which combine with fixed mass of other element in this case fixed mass is hydrogen so bears the small whole number ratio to one another means oxygen different masses of other elements bear small whole number ratio to one another means यहाँ पे जो oxygen है oxygen का जो different mass है उसका अगर हम ratio निकालने जाएंगे तो हमें small whole number ratio मिलेगा। यहाँ पे oxygen के masses है 16 जैम 32 है ठीक है या इसका मैं सोल स्मॉल होल नंबर रेशियो निकालने जाऊंगा तो कितना हो जाएगा तो 1:2 का रेशियो हमें मिल जाएगा 1:2 का हमें रेशियो मिल जाएगा ठीक है। तो इतना ही सिंपल है आपको इतना पता होना चाहिए आपके पास दो एलिमेंट है वो दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे एक से ज्यादा कंपाउंड हमें मिल सकते हैं तो जिसका भी मास डिफरेंट होगा जिस भी एलिमेंट का मास डिफरेंट होगा यहाँ पे ऑक्सीजन था उसका अगर हम रेशियो निकालने जाएंगे तो रेशियो जो आएगा वो कैसा आएगा तो स्मॉल होल नंबर रेशियो आएगा कैसा आएगा स्मॉल होल नंबर रेशियो आने वाला है ठीक है। इन दिस केस इन केस ऑफ हाइड्रोजन डिफरेंट मास किसका है different masses of oxygen combined with fixed mass of hydrogen and bears a small whole number ratio मतलब कि oxygen का जो mass है उसका क्या मिलेगा हमें ratio निकालने जाएंगे तो हमें small whole number ratio जो है वो
ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको, पता चल गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोजल। ठीक है, यही केस हम दूसरे एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। नाउ वी आर गोइंग टू टेक टू एलिमेंट आर कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब हम जो टू एलिमेंट लेने वाले हैं वो क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या, मोर देन वन कंपाउंड, एक या एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने वाला है। मोर देन वन कंपाउंड, हियर यू सी दैट कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स CO2, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, हियर ऑक्सीजन इज 2 देयरफॉर हियर 2, हियर इज 1 देयरफॉर हियर 1। ओके, कार्बन एटॉमिक मास इज 12, ऑक्सीजन एटॉमिक मास इज 16, बट हियर 2 ऑक्सीजन देयरफॉर इनटू 2 इज इक्वल टू 32। कार्बन हियर इज 12, हियर इज 16 एंड एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड इज 28 एंड हियर इज 44। ओके, when two element carbon and oxygen combine to form more than one compound, carbon dioxide and carbon monoxide, then the different masses of one element combine with fixed mass of other element। इस केस पे हमारे पास different mass किसका है, different mass of one element means oxygen का हमारे पास यहां पे क्या है, different mass है। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, वापस different mass of oxygen और हमारे पास मास कितना है, तो 32 और 16 है, कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन था H2O के केस में, यहां पे क्या है तो कार्बन है, यहां पे क्या है तो कार्बन है, कार्बन का कितना है तो 12 है। ठीक है, 12 है, तो BH द स्मॉल होल नंबर रेशियो, मतलब कि अब मैं अगर ये जो डिफरेंट मास है उसका रेशियो निकालने जाऊंगा तो वो मुझे स्मॉल होल नंबर रेशियो मिलेगा। यहां पे 32 जैन 16 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 जैन 1 का हमारा आंसर आ जाएगा, 2 जैन 1 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना ही था, बहुत ही इजी है। क्या है तो एक तो डाल्टन ने दिया था 1803 में दिया था, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद कर लेना है। याद कैसे करना है, तो सिंपल है, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट which react with fixed mass of other elements bears small whole number ratio। ओके, तो यहां तक अभी आपको पता चल गया होगा लॉ ऑफ मल्टीपल कंपोजिशन क्या है। सिंपल, दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो उन दो एलिमेंट में से किसी भी एक एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट ऐसा होगा कि जिसके पास क्या हो, एक से ज्यादा, दोनों में से एक से ज्यादा क्या हो तो मासेस होते हैं। ठीक है ना, एक से ज्यादा जो मासेस होते हैं तो उसका अगर हम होल नंबर रेशियो निकालेंगे तो वो क्या, उसका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, स्मॉल होल नंबर रेशियो हमें मिलने वाला है। यहाँ पे मैंने दिखाया है 2 जैन 1 वाला मैंने दिखाया है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन वाला आपकी बुक में था, यहाँ पे मैंने कार्बन वाला बता दिया है, आप अच्छे से लिख दो। यहाँ पे जो ये एग्जाम्पल है हाइड्रोजन का जो मैंने दिखाया था वो पीछे जाकर स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ से लिख लेना। ठीक है, चलो लाइक एंड शेयर माई वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स, गिव कमेंट्स, ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आदित्य शिंदे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।